नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता युवा मोर्चा नोएडा महानगर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा नोएडा महानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव प्रसारण में महर्षि विश्वविद्यालय महर्षि नगर में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, डीएम ई कॉलेज सेक्टर 62 से युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान जी उपस्थित रहे। राजकीय कॉलेज सेक्टर 39 में युवा मोर्चा सह कोषाध्यक्ष नरेंद्र भाटी जी उपस्थित रहे तथा एवियर कॉलेज सेक्टर 62 में रिगार्डिंग प्रसारण में प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन एवं प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान जी उपस्थित रहीं। 25 जनवरी को नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजित किया गया था। नव मतदाताओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी से अपना मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रहित में करने का आह्वान किया। मोदी जी ने अपने उद्घोषण में राष्ट्र के युवाओं को उनके एक वोट की शक्ति के से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 2014 में युवाओं के वोट ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने कहा कि 2014 में देश के समाचार पत्र भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आंकड़ों से भरे रहते थे। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था पर विश्व एजेंसियों को भरोसा नहीं था और भारत को लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था और युवाओं के एक वोट ने 2014 के बाद से के भारत को आज 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दिया। आज भारत के समाचार पत्र के युवाओं की उपलब्धियों से भरे रहते हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के माध्यम से युवा मोदी की गारंटी पर ऋण ले रहे और अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज युवाओं का वोट भविष्य में भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। उन्होंने बताया कि आज युवाओं का वोट देश को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगा और विकसित भारत के संकल्पों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि आज विश्व पटल पर भारत का बढ़ता मान सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। महर्षि विश्वविद्यालय के भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन ने सभी युवाओं से देश एवं राष्ट्रहित में अपने मताधिकार का प्रयोग करने और देश में एक फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सशक्त सरकार को चुनने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में अनुज प्रधान, मोहित शर्मा, नवीन मिश्रा, विपुल शर्मा, राजू पंडित, नरेंद्र जोगी, रितेश वर्मा, सत्यम सिंह, प्रवीण चौहान, अमित पांडे, आकाश चौहान, मोनू जोगी, कपिल धारीवाल, विपिन भाटी, ललित शर्मा, शिवम पाठक, सुमित शर्मा, रवि वाल्मीकि, लेखराज बेनीवाल, शुभम सिसोदिया, शिवम सिंह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए दीपक यादव की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। न्यूज नाइन भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।